हेलो एवरीवन, आज से हम थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन 6 जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं, और आज की क्लास में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सेमेस्टर में एजुकेशन 6 के अंदर। समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है एक्चुअल में? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सबको एक साथ पढ़ाना या सबको शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि इसको शिक्षा मिलेगी और इसको नहीं, किसी भी कारणवश सभी को शिक्षा दी जाएगी समान तौर पे। तो उसी के लिए समावेशी शिक्षा स्टार्ट की गई, और उसके अंदर हम आज ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। जो खंड अ है आपका, फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जिसको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे। स्पेशल हेल्प किसको चाहिए? जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको तो नहीं चाहिए, समझ लिए। दृष्टि बाधित हो गए, या फिर श्रवण बाधित हो गए, वाक बाधित, अस्थि बाधित, या मानसिक दक्षता जिनमें कमज़ोर हो, वैसे बच्चों की हम बात करेंगे इसमें। उनके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, उनकी ज़रूरतों के बारे में बात करेंगे, प्लस उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करके इन्हें कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए उसके बारे में हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के अंदर। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार और निराकरण। तो इसमें हम क्या है, हम कैसे बच्चों को इकट्ठा करेंगे या फिर सबको कैसे एक साथ अच्छी शिक्षा देंगे, उसका मीनिंग, और ऐसे बच्चों को कैसे पहचाना जाएगा उसके बारे में जानेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने प्रकार के बच्चे हैं जो नॉर्मल बच्चों से भिन्न हैं उसके बारे में जानेंगे, और इन सब का उपाय क्या है, निराकरण क्या है, उसके बारे में फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे। यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मतलब कोई भी बच्चा अलग कैसे, जाति, वर्ग, धर्म, वर्ण, लिंग, या फिर शारीरिक दक्षता, मतलब उसके शरीर की गणना या फिर उसके शरीर में जो भी कमियां हैं उसके आधार पर बच्चों को अलग अलग बनाया गया है या फिर उनमें भिन्नता पाई जा रही है, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित और मानसिक दक्षता वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में जानेंगे। दृष्टिबाधित जो बच्चे देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, या फिर वाक बाधित बोल नहीं पा रहे, अस्थि बाधित उनकी हड्डियों में या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें कोई दिक्कत है। मानसिक दक्षता मतलब बुद्धि उनकी कमज़ोर है। ऐसे सभी बच्चों को हम इकट्ठा करेंगे, उनकी कमियों को ध्यान में रखते हुए हम अच्छे से अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान करने की कोशिश करेंगे। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां। तो हम ऐसा तो नहीं है बच्चों को बस हमें साथ में पढ़ाना है, साथ में पढ़ाना है, एक्साइटमेंट में बच्चों को इकट्ठा कर लिया और पढ़ा, हम उसी तरीके से रहें जैसे नॉर्मल बच्चों को, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड हैं ये सारे। तो इनकी जो भी कमियाँ हैं या इनमें जो भी डिफेक्ट या फिर जो भी अंतर है उनको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो जो भी आवश्यक उपकरण है, सामग्री है, हमें थोड़ी अपनी पढ़ाई की विधियां भी चेंज करनी पड़ेगी, TLMs हमें अलग थोड़े बनाने पड़ेंगे नॉर्मल चाइल्ड को लेके, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या अलग अलग चीज़ें हमें इकट्ठा करनी होगी अगर हमें समावेशी शिक्षा के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीकी। जो समावेशी बच्चे हैं या फिर हमें सबको इकट्ठा पढ़ाना है, तो पहले तो हमें जांचना होगा ना कि
उनके अधिगम क्षमता क्या है, किसको कितनी ज़रूरत है, नॉर्मल चाइल्ड को हम कितना पढ़ाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हेल्प देंगे ना। जैसे प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए हम अलग से लेसन प्लान बनाएंगे, उसको अलग से हेल्प देंगे सो दैट वो तीव्र बुद्धि का बालक है उसे अलग अलग चीज़ें करने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे सो दैट वो अपना जितना भी उसके पास नॉलेज है या फिर उसकी कैपेसिटी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो हर चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो समावेशी बच्चे जो होंगे उनके अधिगम की जांच की जाएगी, उसके टूल्स और टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट में कि कौन से टूल्स के ज़रिए हम बच्चों की जाँच कर सकते हैं। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ जैसे ब्रेल लिपि, समावेशित बच्चों के लिए विशेष जैसे कि देखो ये हो गया, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियों में से हो गया आएगा एक ब्रेल लिपि। जैसे हम समावेशित में जैसे दृष्टि बाधित होते हैं, श्रवण बाधित, वाक बाधित हो गया, तो जो दृष्टि बाधित होते हैं जो देख नहीं पाते उनके लिए हम क्या चीज़ें शिक्षण विधियाँ यूज़ कर सकते हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं या पार्शली ब्लाइंड या कम्प्लीटली ब्लाइंड उन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि वो बुक होती है जिसमें उभरे उभरे डॉट होते हैं और बच्चे छू के किताबों को छू के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ होती है। दृष्टि बाधित, वाक बाधित और मानसिक दक्षता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कौन सी विशेष शिक्षण विधियाँ हैं और उसकी क्या खास बात है, हमें कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है समावेशी शिक्षा में, उसमें हम निर्देशन और परामर्श के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशन परामर्श के बारे में मतलब बच्चों को क्या हमें समझाना है, कैसे बच्चों को डायरेक्ट करना है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की जा रही है। ठीक है, सो दैट ये जो बच्चे हैं स्पेशल चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है, इकट्ठा पढ़ें और आगे जाके मुख्य धारा से जुड़े और देश का नाम रोशन करें, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे कंट्री की इकोनॉमी में। समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श का इसमें हम अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग अगर हमें करनी है समावेशी बच्चों की तो इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या विधियाँ होती हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके क्षेत्रों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाओं के बारे में भी हम डिटेल में इसमें जानेंगे, जैसे मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद हो गई, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हो गया जो परामर्श देते हैं या फिर कह लो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की स्पेशल चाइल्ड की आगे बढ़ने के लिए, उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं। हम कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मनोविज्ञान शाला हो गई, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हो गया, जिला चिकित्सालय हो गया, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षित डाइट मेंटर हो गए, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र हो गया, समुदाय के लोग या विद्यालय में जो सहयोगी समितियाँ होती हैं उनके बारे में जानेंगे और ये किस तरीके से हेल्प करते हैं निर्देशन एवं परामर्श में, उसके बारे में डिटेल में हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। ठीक है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी बहुत सारे हैं जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं और उनके बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे। लास्ट में बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, निर्देशन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप देखेंगे कि बीएड में भी होता है, बीटीसी में भी होता है, एक्चुअली ये बच्चों के लिए कैसे यूज़फुल है, क्या इसका महत्व है कि इसको हमेशा हर सिलेबस में ऐड किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि बाल अधिगम में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्या एक्चुअल में इम्पॉर्टेंस है। तो होपफुली आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। कल से हम इसकी क्लासेस लेंगे, एक एक करके टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।